This conference will now be recorded. अद्य सोमवासर अथवा बुधवार फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 29 मार्च 2021 केस पेपर भाग एक शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिबुद्ध्यां शुकपतिर्विलसन् मौलिनीभोजनेतरम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्दम् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनम् प्रौढवाग्निलीनम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तम् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषत् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं निकार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनि सप्तमः प्रथमं दन्तकर्तारम् अग्निवेशं नाम्यहम् तो जैसे मैंने कहा था आज किस पेपर के बारे में बात करेंगे और ये सिलसिला शायद 4-5-6 लेक्चर्स तक चला रहेगा, फिर बाद में फिर से माधव वेदांत की तरफ बोलेंगे। तो ये मेरे क्लिनिक का किस पेपर है और इसके ढांचे पर कोई भी वैद्य अपना किस पेपर बना ले, केवल नाम अलग हो तो भी चलेगा। और मुद्दे जो है इसमें वो यही रहने चाहिए, इसमें हम सभी के सहमति के अनुसार अगर कुछ कम करने हैं ज्यादा करने हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं। ये सिलसिला काफी बरसों से कोलटकर सर ने ये ढांचा बनाया था, उसमें काफी परिवर्तन आए हैं लेकिन मूल ढांचा कोलटकर सर ने बनाया हुआ इस प्रकार का। तो अगर आपके पास मरीज की कोई कैटेगरी है जैसे कि रेगुलर जो आमतौर पर इस प्रकार के मरीज रहेंगे, दूसरी VSS जो कैटेगरी है वो वैद्यकीय सलाह समिति ऐसा हम कहते हैं, और छात्र या डॉक्टर्स और उनके निजी परिवार के सदस्य ये इसमें शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ VSS कहेंगे तो इसके हम पैसे नहीं लेते, सिर्फ ये च्यवनप्राश शतावरी कल्प या पंचकर्मा वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो उसके पैसे लेते हैं, लेकिन जो पुड़िया बना के दी जाती है लोगों के लिए मेन प्रैक्टिस होती है उसके पैसे लिए जाते हैं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। ये एक कोलटकर सर से शुरू हुई परंपरा इस प्रकार के, और बाकी इस्कॉन वगैरह इस प्रकार के भी
जो अध्यात्म क्षेत्र में है उनसे भी पैसे ले नहीं लेते। हमारे रिश्तेदार भी इसमें आ सकते हैं, तो जिनसे पैसे नहीं लेने हैं उनको VSS इसके अंडरस्कोर करेंगे, तो रिसेप्शनिस्ट वगैरह सभी को पता चलेगा कि इनसे पैसे नहीं लेने हैं, पुड़ी के पैसे नहीं लेने हैं, बाकी दवाइयों के पैसे ले सकते हैं जो हम खरीदते हैं देते हैं इस प्रकार से। लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और उसके अच्छे और बुरे दोनों तरीके मैंने देखे हैं VSS कैटेगरी के जरिए। और कीमत नहीं रहती, एक बात हो सकती है में सब मिल रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है इस प्रकार से, और मुफ्त में मिल रहा है, अच्छी चिकित्सा मिल रही है। और कैंसर के मरीज के बारे में भी मैंने यही रीति अपनाई है कि अगर वैद्य खुद कैंसर से ग्रस्त हो या उसके बहुत निजी परिवार के सदस्य हो तो उनसे भी पैसे नहीं लिए हैं इस प्रकार से, तो सम्मान बढ़ता है, ये भी एक बात उसमें जरूर दिखाई देती। तो ये हर वैद्य अपने अपने तरीके से डिसाइड करे, लेकिन मैंने एक बात सोची थी वो वास्तव में आई नहीं, लेकिन वो फिर भी आज भी करने लायक इस प्रकार की है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को संबोधित किया जाए। ज्यादातर ट्रेंड ऐसा रहता है कि जब BAMS में एडमिशन लेते हैं तो जिनमें जिनके घर में आयुर्वेद है या मेडिकल बैकग्राउंड है ऐसे बहुत कम छात्र रहे, और खासकर वही घर में आयुर्वेद है तो कोई अलग चीज है, लेकिन घर में एलोपैथी है या कोई आयुर्वेद कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो उनका एक निजी डॉक्टर रहता है जनरल प्रैक्टिशनर, उसके पास जाते रहते हैं, और फिर एलोपैथी का ही माहौल चला रहता है चाहे वो व्यक्ति BAMS एमडी क्यों ना हो। तो वहां मैंने एक सुझाव दिया था कि पुणे में खास करके काफी वैद्य है, तो ये अगर पुणे का रहने वाला है छात्र तो उसको कह देना था कि तुम्हारे नजदीक ये वैद्य है तो सभी तुम्हारे फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए उसके पास जाना आरंभ करो, तो ये बैरियर ब्रेक करना है, एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद शुरू करना। और उससे दो तरीके से फायदा होता है, एक तो अगर ये पैसे नहीं लेने वाले वैद्य जो है वो कोलटकर परंपरा के अनुसार चलने वाले हैं तो उसके प्रति सम्मान बढ़ता है, आयुर्वेद के प्रति सम्मान बढ़ता है, खर्चा कम हो जाता है। और दूसरी सबसे अहम चीज है कि पूरा परिवार आयुर्वेद से जुड़ जाता है। तो हमारे यहाँ जब मैं उत्तीर्ण हुआ था तो जो मुसीबत आती थी कि लोगों को पेरेंट्स को आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो ये क्या सीख रहा है, इससे क्या होने वाला है, आमदनी कैसी होगी वगैरह वगैरह, सभी जो बातें हैं वो नहीं रहती, उनको भी तसल्ली हो जाती है पेरेंट्स को खास करके कि हाँ ये अच्छा तरीका है और अच्छी प्रैक्टिस करेगा इस प्रकार से, वो खुद आयुर्वेद से अनुभव लेते हैं तो उनका विश्वास बढ़ जाता है, और फिर लड़का या लड़की के लिए ये मुसीबत नहीं आती आगे चलकर कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है कैसे करनी है। अगर BAMS के फर्स्ट ईयर में ही ये चेंज हो जाए तो वो लड़का लड़की उस वैद्य के पास जाना आरंभ कर देगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना आरंभ हो जाता है, और उसके साथ में अगर इस प्रकार का हो ऑनलाइन अध्ययन या गुरुकुल वगैरह इस प्रकार से तरीके से हो तो थियोरेटिकल बेस भी बनता जाता है, और जब तक वो BAMS पूरा कर लेता है तब तक उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा कर सकूं, यशस्वी चिकित्सक बन सकूं।
तो इसलिए ये मैंने सुझाव दिया था कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को संबोधित करेंगे और उनको कहेंगे कि तुम किसी वैद्य के पास जाओ अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि ये सभी परिवार आयुर्वेद से जुड़ जाएगा और वो हमारे लिए अच्छी चीज इस प्रकार की होगी। लेकिन ये सफल नहीं हुआ उस समय में, केवल मेरे पास एक छात्र आया था इस प्रकार से, और उसको खुद तो विश्वास था, तो उसकी ट्रीटमेंट चली, वो मनोवैद्य सब चला, लेकिन फैमिली से जुड़ना नहीं हुआ एक्चुअली। वो बाद में जनरल प्रैक्टिशनर बन गया, फिर भी मेरे यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं बेबी इस प्रकार से। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन छात्र इस तरफ से मुड़ेंगे। तीसरी मेरी कैटेगरी जो है सीए है, क्योंकि सीए की बहुत पेशेंट्स है, तो सीए का अलग मैंने रख दिया है कैंसर। और फिर उसका जो निदान है हमारे दृष्टि से या एलोपैथी के दृष्टि से, दोनों से एक्चुअली निदान लिखना जरूरी रहेगा। तो सीए है तो ब्रेस्ट है, लंग है, लिवर है, इस प्रकार से जो है, फिर उसमें कौन सा टाइप है, मॉडरेटली मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है, पोअरली डिफरेंशिएटेड है, वगैरह वगैरह जो है वो भी लिखना है, या ब्रेस्ट कैंसर है तो यार प्यार हर्टू का स्टेटस क्या है। ये सामने केस पेपर देखेंगे तो उससे समझ में आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से रुद्रोग है या फिर हाँ उदर है वगैरह, इस प्रकार की जो भी लिवर सिरोसिस है। तो जो भी हमारा निदान इस प्रकार से होगा एलोपैथी का और आयुर्वेद का, वो वहां पे लिखेंगे। तो ज्यादातर ऐसे होता है कि कुछ दिनों के बाद मरीज के फोन आने शुरू होते हैं, और फिर कोई छात्र या कोई रिसेप्शनिस्ट सीधा सामने लेके आता है और इनसे बात करो वगैरह, इस प्रकार से बताते हैं। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए, असिस्टेंट जो है वो उनसे बात करेंगे पूरी समझ लेंगे केस जो है वो, और फिर वो अगर उत्तर दे सकते तो वही उत्तर दे दे। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो फिर मेरे पास है बैकग्राउंड, बता के खुद उत्तर दे, ये बेहतर ऑप्शन है। अगर पेशेंट जिक्र करता है कि नहीं मुझे सर से ही बात करनी है, तो शायद एक अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। लेकिन यहीं पे कॉर्नर में अगर लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर है, उसमें एक रेफरेंस का भी मुद्दा है कि कहाँ से ये रेफरेंस मिला है पेशेंट से। जनरली पेशेंट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आते रहते हैं और कहीं जगह या ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के, वीडियो यूट्यूब में देखते या फिर टीवी पर प्रोग्राम देख के इस प्रकार के आते हैं। तो कहाँ से आया है उसके ऊपर ये निर्भर रहता है कि ये कितना विश्वास से दबा लेगा नहीं। अगर हमारा कोई बहुत अच्छे पहचान वाला मरीज हो जिसके जरिए ये आया है, तो चांसेस ज्यादा अच्छे रहते हैं कि वो पहले से ही विश्वास रख के करेगा। अगर बादरायण संबंध से आया है, किसी मेरे मित्र के बहन के और कोई रिश्तेदार ने आपका नाम बताया, तो ये मुश्किल होता है कि कहाँ से रेफरेंस मिला है। तो ये फिर थोड़ा सा ट्रायल एरर रहती है कि वो ट्रायल करना चाहते हैं कि इससे क्या होगा कैसे होगा। तो रेफरेंस एक आवश्यक है एलोपैथी में, एक किया जाता है कि जिसने रेफरेंस भेजा है उसको डॉक्टर की नोट जाती है कि थैंक्स फॉर रेफरेंस ऑफ द सच एंड सच पेशेंट, द डायग्नोसिस इज समथिंग लाइक दिस एंड आई विल बी मैनेजिंग द केस वगैरह, इस प्रकार से। तो उसको जरा अच्छा लगता है कि इस डॉक्टर ने वैद्य ने रेफर किया हो कि हाँ सर ने देख लिया है। अभी मेरे यहाँ कोई परिचित छात्र हो तो
हाँ, ये करने की जरूरत नहीं रहती, उसको तो मालूम रहता है, और पहले से ज्यादातर बातें होती रहती है कि मैं ये मरी हुई चला। लेकिन फिलहाल अभी भी ऐसी स्थिति है कि मुझे कुछ पता नहीं रहता, मेरे कुछ छात्र के मित्र सहेली वगैरह इस प्रकार के होते हैं, और वो फिर बता देते हैं कि नहीं अर्गुल सर के पास भी, तो मुझे कोई पता नहीं रहता। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी सुझाव दे दूंगा असिस्टेंट्स को कि जिससे भी रेफरेंस आया है उसको हमारे नाम से, हमारी तरफ से पर्ची जानी चाहिए, एक नोट जानी चाहिए कि थैंक्स फॉर रेफरिंग वगैरह वगैरह, इस प्रकार का है और ये स्थिति है। हम कोशिश इस प्रकार से करेंगे कि क्या साध्य क्या हो सकता है उसके बारे में सोचेंगे। तो रेफरेंस क्या है ये एक बार देख लेना, इस प्रकार का जरूरी रहेगा, और उसके आधार पर क्या एक्शन लेनी है ये एक बार समझ लिया। अभी मीडिया से आते हैं तो उनकी अपेक्षाएं काफी अलग इस प्रकार की हो सकती है। व्हाट इज जीजे एंड एचएस? हाँ, जीजे जो है वो गुजरात, मैं जब अहमदाबाद जाता था तो गुजरात के काफी मरीज रहते थे, तो इसलिए मैंने जिसे एक अलग कैटेगरी की। अब ये काफी कम हो गए हैं, अहमदाबाद सूरत वगैरह से मरीज अभी भी आते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन वो अभी नहीं है। और एचएस तो मुझे भी याद नहीं रहे क्या कैटेगरी है। एक फॉरिनर की कैटेगरी मेरे पास अलग थी, लेकिन अभी फॉरिनर्स उतने नहीं है, अभी जो फॉरिन पेशेंट्स है वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, फॉरिनर्स नहीं है, साक्षात फॉरिनर्स नहीं। अभी मेरा विदेश जाना भी काफी रुक गया है, लेकिन हम हमारी हिसाब से कैटेगरीज बनाए, तो ये मेरे ये क्या था जी से एंड एच एस कैटेगरी आस। तो एचएस का अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है अगर याद आता है तो, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास अगर स्पोर्ट्स से लोग आते रहते हैं तो आप एसपी इस प्रकार की भी कैटेगरी कर सकते हैं, या किसी और मरीज के सीकेडी के पेशेंट आते हैं तो आप सीकेडी कैटेगरी कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी आपके पास ज्यादा इस प्रकार की आती हो उसके बारे में आप ऊपर लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। फिर दिनांक है, तो जिस दिन ने केस ले ली वो दिनांक वहां पे होना चाहिए, और जब केस पुरानी हो जाती है बहुत बरसों से आते रहते हैं इस प्रकार से, तो ये मायना रखता है कि कितने बरस से पेशेंट हमारे पास आ रहा है इस प्रकार से। तो शुरुआत कब हुई थी और शुरुआत का स्टेटस किस प्रकार का? अभी हम केस पेपर फॉर्मेट कंप्यूटराइज कर रहे हैं और डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए इसको कंप्यूटर में डाल रहे हैं, तो वहां शुरुआत जो है वो दिनांक से ही है, डेट क्या है इससे, और फिर पहले कब आया था, फॉलोअप कब हुआ, और बाद में कितने फॉलोअप हुए वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये देखने के लिए ये अहम चीज इस प्रकार की है। कंप्यूटर नंबर, ये कंप्यूटर में फीड करते हैं तो एक कंप्यूटर ऑटोमेटिक नंबर दे देता है, तो जो नंबर हो वो यहाँ पे एक बार लिख लेना है, अगर कंप्यूटर में केस ढूंढनी है तो वो नंबर डालेंगे तो वो केस पेपर वहां पे मिलेगा इस प्रकार से। अब न्यूमेरिकल सर्च सबसे फास्ट होता है, तो इसके लिए ये एक अच्छी चीज इस प्रकार की रहेगी कि कंप्यूटर नंबर क्या है वो डालेंगे। अब मेरा ये सिलसिला चल रहा है कि
रसिक पावस्कर का वैद्यराज सॉफ्टवेयर है, तो उसने मुझे प्रेजेंट दिया है, भेंट दिया है। लेकिन वहाँ केस पूरी भरनी पड़ती है, केस एक वैद्य से दूसरे वैद्य के में ट्रांसफर करने में काफी दिक्कत है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टेबल्स बनाए हैं उसने। और मेरा थोड़ा सा ड्रॉप बॉक्स में यूज करता हूँ, तो ऑल ओवर एवरीवेयर सिंकिंग होना चाहिए, तो मैंने वो सॉफ्टवेयर उसका ड्रॉप बॉक्स में रखा था, वो कॉन्फ्लिक्ट काफी बात कर देता है, तो इसलिए। और वो तो अच्छी तरीके से कंप्यूटर पे ही केस लेता है, ऐसा है। हमारे यहाँ छात्र केस लेते हैं, और फिर ये थोड़ी मुसीबत वाली बात है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं सोच रहा हूँ। वैद्य मैनेजर करके एक अहमदाबाद का सॉफ्टवेयर है, तो 4,000 रुपये प्रति बरस ऐसा उसका है, वो काफी अच्छा है। लेकिन मैंने खुद का एक बनवाया था शिरीष दुबे वाले के लिए, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं हुआ, और काफी दिक्कतें इसमें आती रही। तो अभी राजन वाक्स हमारा प्राकृतिक कोष का जो प्रोग्रामर है वो बना रहा है, और वैसे वो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें ये फॉर्मेट भी कर रहे हैं, और ये इसी फॉर्मेट से मिलता जुलता है, तो शायद ये अच्छा काम करेगा ऐसा सोचता हूँ मैं। और फिर उसका कंप्यूटर जनरेटेड एक नंबर इस प्रकार का रहेगा। अभी ये जो राजन वाक का बन रहा है वो विंडोज बेस्ड इस प्रकार का है, और अगर मोबाइल में हमें केस लेनी है तो एंड्रॉइड बेस होना चाहिए। शिरीष तोड़ेवाला का दोनों तरीके का है, एंड्रॉइड बेस्ड और माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड इस प्रकार से। तो मैंने अभी वाक्सी जिक्र किया है कि तुम भी इसी प्रकार से बनाओ, तो केस टेकिंग मोबाइल में हो सकता है, और सिर्फ मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा छोटा रहता है तो टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन ये फिर भी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड। तो अगर हम एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं तो मोबाइल में थोड़ा आसान होगा, घर से ही लोग केस भेज सकेंगे, और जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम ले लेंगे। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि रिपोर्ट्स को हमें साथ में रखना है, और मेरे पास कैंसर के पेशेंट्स की 20 फाइलें दोनों क्लिनिक में अलग अलग, तो 100 पेशेंट्स की एक फाइल, और ऐसे 20 फाइल एक क्लिनिक में, दूसरी फाइल दूसरी, 20 फाइल दूसरे, इस प्रकार के, तो ये काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर केस पेपर के साथ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट रहते हैं, और जो आवश्यक है। तो प्रैक्टो का मैंने बीच में इस्तेमाल किया था, तो प्रैक्टो से मुझे एक आइडिया मिली कि मोबाइल में या टैबलेट में फोटो खींचना ज्यादा आसान, एक बार आप केस से जुड़ गए हो और फिर उसमें कैप्चर फोटो ये ऑप्शन आ जाता है, तो जो इन्वेस्टिगेशंस है वो उसमें हम कैप्चर करेंगे। तो इसमें एक दिक्कत और है कि जेपेक फाइल जो है वो काफी बड़ी हो जाती है, और एक एक मरीज के 15, 20, 25 इतने रिपोर्ट्स रहते हैं, उन सभी को कैच करेंगे तो ये फाइल साइज काफी बढ़ जाता है। अभी ये सब मैनेज करना है क्लाउड टेक्नोलॉजी के जरिए मैनेज करना है, क्योंकि हमारी स्पेस कंप्यूटर की, लैपटॉप की, इसके लिए काफी नहीं है, या मोबाइल की भी स्पेस काफी नहीं है, तो ये हमें जुड़ना पड़ेगा क्लाउड से, और वहां स्टोरेज होगा, इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य होगा, तो इंटरनेट के जरिए वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो जो भी रिपोर्ट्स हम देखना चाहेंगे वो आसानी से देख सकेंगे। अभी इस प्रकार के काफी सॉफ्टवेयर्स बाकी लोगों ने भी बनाए हैं, टाटा हॉस्पिटल अस्पताल की वेबसाइट है, हर मरीज को एक नंबर दिया जाता है लॉगिन करने, और फिर उसके जरिए सभी जो रिपोर्ट्स है उसमें डाले जाते हैं, आप देख सकते हैं, और चाहे तो उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।
वो सभी उनका ऑनलाइन इस प्रकार का है। और दूसरे भी इस प्रकार के सॉफ्टवेयर ऐसे कि सभी डेटा आपके साथ में रहेगा, क्लाउड में रहेगा, और जब आप लॉग इन करोगे तो वो केस का नंबर डालेंगे तो वो सभी केस पहले से लेकर सामने आए इस प्रकार से। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि जो रिपीटेड एग्जामिनेशंस है उसके बारे में फोटो खींचना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो थोड़ा असिस्टेंट के लिए काम होगा। कि क्रिएटिनिन जब मेरे पास आया तो 8.7 था, फिर बाद में फॉलोअप में आया वो 8.2 हो गया, या फिर बाद में 8.1 हो गया, फिर बढ़ गया 9 बन गया वगैरह वगैरह। जो सीकेडी के जो पेशेंट्स है वो तो उसी उलझन में रहते कि अभी क्रिएटिन इतना हुआ, अभी यूरिया इतना हुआ वगैरह, सिस्टेमिन इतना हुआ। तो बेटर ऑप्शन है कि तारीख इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन है वो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और फिर जो पता चला है उसमें वो वैल्यू वहां पे लिखे और ये एक्सेल शीट बनाए। तो दो फायदे होते हैं, दो फायदे होते हैं एक्सेल शीट बनाने के, कि फाइल साइज बहुत कम हो जाती है और एट ए ग्लांस हमें पता चल जाता है कि किसने दिन में क्या था, पेशेंट प्रोग्रेस हो रहा है, रिग्रेस हो रहा है, क्या हुआ है, दिस इज प्रोग्रेस हो रहा है, रिग्रेस हो रहा है वगैरह। तो ये बेहतर चॉइस है अगर रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन है। पहले पेट स्कैन किया था, ट्यूमर साइज इतना इतना था, बीच में केमोथेरेपी हुई, ट्यूमर साइज इतना कम हुआ, फिर इतना बढ़ गया वगैरह वगैरह, ये सभी जो है वो साइज अगर हम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेट स्कैन, एब्डोमिन या होल बॉडी स्कैन जो भी है वो, और फिर फाइंडिंग जो है वो उसमें लिख देंगे, और तारीख तो रहेगी शुरू में, तो उसके आधार पर एक एक्सेल शीट बनेगा और फिर उसके जरिए पता चलता रहेगा कि दिस इज प्रोग्रेस हो रहा है, रिग्रेस हो रहा है, स्टेटस को है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये सभी आवश्यक है जब आप किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बोलते हैं, तो एविडेंस होना बहुत जरूरी है। हरिशंकर शर्मा जी जो जामनगर में, तो शुरू में जब मैं जामनगर में गया था तो उनसे थोड़ा वार्ता हुई थी, और जब उन्होंने सुना कि मेरे थीसिस संस्कृत में लिखे हैं इंडिया और दिल्ली, तो उन्होंने संस्कृत में वार्तालाप आरंभ किया, तो मैंने भी संस्कृत में वार्तालाप किया, तो बड़े प्रसन्न रहे। फिर हम हमारी मुलाकातें होती रही। और एक कोची में एक सेमिनार था, हम दोनों उसमें शामिल थे, तो मैंने मेरी अमेरिका की ऑडियो सुनी उनको, और उन्होंने रात में ही वो सब सुन लिया, और दूसरे दिन मुझे बोले कि ये बहुत बढ़िया है और मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ जापान। ये मेरे लिए बड़ा धक्का था, आश्चर्य का। फिर रेगुलरली उन्होंने निमंत्रण भेजा, मैं जापान में जाके आया, वहां पे लेक्चर दिया इस प्रकार से। तो उनका कहना था कि ठोस सबूतों के आधार पर कैंसर के बारे में, तो इस प्रकार से ठोस सबूत चाहिए तो हमारे पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ये 1993 में पैंक्रियाटिक हेड विथ लिवर मेटास्टेसिस कैंसर हुआ था और मृत्यु 18 बरस के बाद हुई, जबकि 2 महीने का लाइफ बताया गया था केमोथेरेपी और सर्जरी के बावजूद। तो 2 महीने और 18 बरस इसमें जो अंतर है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें जो स्थिति है, और आपके हाथ में बायोप्सी का प्रूफ है, तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो
तो इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट साथ में रखना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और न जाने कब कैसे काम चलेगा। और आपको कहाँ कैसे मौका मिलेगा इस प्रकार से। तो उनकी उम्र जब उन्होंने मुझे बुलाया वो 85+ थे और फिर भी पूरे विश्व भर में घूमते थे। अभी वो 90+ इस प्रकार के, फिर भी पिछले बरस में भारत में आके गए इस प्रकार। तो एक्सेल शीट ये एक अच्छा ऑप्शन इसमें रहेगा, जहां ये पिक्चर्स वगैरह है ट्यूमर्स के वगैरह, वो हमें जेपी फॉर्मेट फॉर्मेट में ही लेने पड़ेंगे। इसमें ये क्लाउड में अगर रखेंगे तो हमारी स्पेस नहीं जाएगी, नहीं तो फिर फाइल कॉम्प्रेसर्स भी हो गए कि फाइल कॉम्पैक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके जरिए फाइल कॉम्प्रेस करेंगे तो हमारी जगह बच जाए। अब ये जगह का उतना प्रॉब्लम नहीं है, हमने जब कोष का कार्य आरंभ किया था तो 20 MB की हार्ड डिस्क थी। अब कोई विश्वास भी नहीं करेगा हार्ड डिस्क 20 MB की, फ्लॉपी ड्राइव 1.2 MB और फिर बाद में 1.44 MB इस प्रकार का आ गया। और उस 20 MB में कितना स्टोर होगा क्या होगा। लेकिन ये बहुत तेजी से बदलता गया, अभी 2 TB ये भी कॉमन है। एक माला खरं असं पाहिजे जर का नाही, ह्याचं जर तुम्ही फॉर्मॅटिंग करायचं असं म्हणता, एक्सेल शीट ला करावं म्हणता, पण ह्याचे काही पॉइंट तुम्ही तयार केलेले तिकडे की काय काय सुधारणा म्हणजे काय, म्हणजे सुधारण्याचे काय, म्हणजे बिघडते जे काय असेल काय केलं जातं फक्त ते डोक्यात असतं, लिहिलं नाही जात, पेपरवरती लिहिलं नाही जात। थर्ड पार्टी ला फॉर्मॅटिंग हे करताना भयंकर प्रॉब्लेम होतात, तर पेशंटला वारंवार फोन करायला काय प्रॉब्लेम होतात। काही पेपर केलेले आहेत ना मी, जे लास्ट पेशंटच्या बाबतीत असं नाही एक्झॅक्टली फरक, आयुर्वेदाप्रमाणे कसा कसा बघायचा, लाक्षणिक असेल दोषात्मक असेल रोगात्मक व्याधीला पण ते पाहिजे तिथे। मी सांगतोय डोक्यात असत पेपर वर होतात नाही, इच्छा आता तुम्ही प्रश्न सोडवता आणि जर असं सांगता की त्याचा आपल्याकडे रेकॉर्ड असायला पाहिजे, तर रेकॉर्डच्या हिशोबाने हा मुद्दा यायला पाहिजे की कशा तऱ्हेने तुम्ही फॉर्मॅटिंग करू शकाल किंवा काय करायचंय, बाकीचे त्याच्यामध्ये अजून प्रकारचे घातील इनपुट। फॉर्मॅटिंग मी सांगितलं एक्सेल शीट मध्ये फॉर्मॅटिंग, एक्सेल शीट मध्ये फॉर्मॅटिंग करत असताना पॉइंट्स काय काय मी सांगितले ना, इन्व्हेस्टिगेशन बेक वाईज इन्व्हेस्टिगेशन डेट वाइज इन्व्हेस्टिगेशन हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे। आता डेट वाइज इन्व्हेस्टिगेशन किंवा या मुद्दे हे जे आहेत ना, हे फक्त ऍलोपॅथी प्रमाणे चालणारे क्रायटेरिया आहेत, आयुर्वेदाप्रमाणे आपल्याप्रमाणे अग्नि काय सुधारला नाही सुधारला सुधारला या गोष्टी लिहायला पाहिजेत। मग ते तुम्हाला याच्यात घालायला लागेल, एक्सेल शीट मध्ये घालायला लागेल किंवा नाही तर याला फाइंडिंग्स सगळे त्याशिवाय दोषांच्या आणि दोषांनी बरं आहे की नाही हे कळणार नाही पहिली गोष्ट। तिसरा दुसरा असं होतं की काही फॉलोअप नाही इज ओके, पण काही फॉलोअप नाही इज नॉट ओके, तर तिथेही पुन्हा प्रश्न येतो की आता काय बिघडलायचं, काळांमध्ये काहीतरी झालेलं असेल, झालेलं असेल काळाने असेल काय अडचण असेल काहीतरी कारण असतात ना आपोआप नाही बिघडणार। तो इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हमें देखना है अग्नि का क्या हुआ बल का क्या हुआ वगैरह वगैरह, और ये अवयव के बारे में क्या हुआ वगैरह वगैरह, तो शायद ये बात बन सकती है कि हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी एक्सेल शीट में इसके बारे में लिखे, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। अभी जो क्रमांक है वो
हमारे फाइल का नंबर, क्लिनिक में जो फाइल है उसका नंबर है। तो इसमें किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करें, ये एक अहम मुद्दा है। मेरे दो क्लिनिक्स है, तो एक करवे नगर और एक राशिपेट, इस प्रकार के फाइल्स रहेंगे। और के से आरंभ होगा या एस से आरंभ होगा, तो उसके आधार पर पता चलेगा कि ये करवे नगर फाइल है या सदाशिव। फिर आगे चलकर किस प्रकार से देख, तो एक दो तरीके मरीज ढूंढने पड़ते हैं। एक नाम से ढूंढना है, लेकिन नाम में लिखना जो है वो भी सरनेम, मिडिल नेम और सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ये जो तरीका है वही सभी जगह करना है। कुछ लोग नाम से शुरुआत करते हैं, फिर मिडिल नेम और लिख देते हैं, सरनेम लिख देते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत इस प्रकार की हो सकती है, ये उल्टा सुलटा इस प्रकार का अगर कुछ लिख दिया तो ढूंढने में काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। तो एक ही फॉर्मेट निश्चित करें कि सरनेम, फिर नेम और फिर मिडिल नेम, ये जो है वो निश्चित रूप से लिखे। और फिर इस प्रकार के दो क्लिनिक है तो शायद एस या के वगैरह ऐसे प्रकार से कैटेगराइज करें। और फिर नाम से ढूंढना एक अलग चीज है, और मरीज कब आया था, वो साल कौन सा है, ये भी कर सकते हैं। हमने पहले जो किया था वो 1986 से, अगर मेरी लेने की शुरुआत हुई है तो 1986 / महीना जो है 1, 2, 3, 4 वगैरह, और फिर / उस महीने का नंबर जो चलता है वो इस प्रकार से करते थे। एक बात सीधी ऐसी भी हो सकती है कि नया वर्ष शुरू हो गया, 2021 शुरू हुआ है, तो 2021 और डायरेक्ट नंबर जो भी मंथ का कोई संबंध नहीं, डायरेक्ट नंबर लिखते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे इस प्रकार से। तो पूरे बरस में नए मरीज कितने आए ये पता चल जाएगा, और फॉलोअप के इस प्रकार से आते रहेंगे। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करे, लेकिन एक कार्ड देना जरूरी है मरीज के लिए कि नंबर आपका जो है वो आपको याद रहे, नहीं तो आप मोबाइल में स्टोर करके रखें। और जब अपॉइंटमेंट लेनी है आगे फॉलोअप की, तो नंबर बताएं, ये नंबर है मेरा। तो उनको कंप्यूटर जनरेटेड नंबर और ये दोनों दे सकते हैं। हमने इस प्रकार के कार्ड बनाए थे, ये जो पेशेंट्स के लिए कार्ड बनाए गए थे उसमें हमारा क्लिनिक का एड्रेस, फोन नंबर और पेशेंट का नाम, उसका नंबर, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर और हमने दिया हुआ जो नंबर है वो दोनों साथ में रहेंगे, तो केस पेपर ढूंढने में आसान इस प्रकार के रहे। अभी फिलहाल वो बंद है, लेकिन फिर से एक बार इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये पेशेंट को नंबर दिया जाए। सदाशिव नगर क्लिनिक, रुग्ण एखाद वे फॉलोअप ला कर्वे नगर ला आला तर त्याचा केस पेपर कसा एक्सेस करना, ये काफी दिक्कत वाला मामला है। और इसलिए मैंने वो ड्रॉप बॉक्स ले लिया था कि ड्रॉप बॉक्स में अगर फाइल स्टोर हो जाए तो फिर कहीं भी पेशेंट कोई भी आए तो ड्रॉप बॉक्स ओपन करेंगे तो पेशेंट मिल जाएगा इस प्रकार से, लेकिन हो नहीं रहा। रसिक का सॉफ्टवेयर मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाला था, वो फाइल कॉम्प्लीट कर रहा है, और सिंक्रोनाइजेशन जो होना चाहिए टाइमली, जो भी नया इनपुट दे देंगे तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तो टाइमली नहीं हुआ, चाहे इंटरनेट एक्सेस नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो
तो उस अवस्था में ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, नई इंफॉर्मेशन आ जाती है तो कंफ्यूज कर देता है। तो फिलहाल ऐसा चलता रहता है कि अगर एक मरीज करवे नगर से सदाशिव पेट में आता है या सदाशिव पेट से करवे नगर आता है, वहां पे किस पे है उसका। तो फिर अभी हमने क्लिनिक स्टाफ ग्रुप बनाया है, दोनों क्लिनिक के रिसेप्शनिस्ट उसमें है शामिल है। तो केस पेपर का फोटो खींच के वो व्हाट्सएप में डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, और फिर दूसरी जगह वो केस पेपर दिखने लगता है। फिर वहां जो दवाइयां देके देंगे वो फिर से व्हाट्सएप में डालेंगे। दूसरी दफा जब मरीज आएगा तो वो वहां पे अपडेट उस केस पेपर में होना चाहिए। इस प्रकार से ये अभी दिक्कत वाला मामला है। पूरी तरीके से केवल कंप्यूटराइज्ड अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। मैं काफी झगड़ रहा हूँ करवे नगर वाले क्लिनिक में भी और सदाशिव पेट वाले क्लिनिक में भी कि एक परमानेंट सॉल्यूशन मिले कि इंटरनेट कनेक्शन कभी इंटरप्ट ना हो। लेकिन होता नहीं है, ये कभी भी हौसला टूट सकता है इसके बारे में, इसीलिए मैं पूरा कंप्यूटर पर नहीं आ रहा, फिर भी केस पेपर भरना मैन्युअली ये काम चल रहा है। और जो पुराने रिकॉर्ड्स 1986 से लेकर उसके बारे में क्या करें, अभी हमने जगह इतनी कम हो गई केस पेपर रखने के लिए, तो केवल 2 बरस के केस पेपर रखेंगे, आगे पुराना मरीज आएगा तो नया केस पेपर डिसाइड कर लिया। लेकिन फिर भी बेटर ऑप्शन है कंप्यूटराइज करें और उसी में स्कोर रहे। फिर आई मौके पर अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो बड़ी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। और किसी एक मरीज को कोई दवा सूट कर गई हो और दुर्भाग्य से जब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं, मैं फिर से विचार करके कुछ दवा दे देता हूँ, और वो अगर लागू नहीं होती है तो मरीज का कहना रहता है मैंने आपने पहली बार जो दवा दी थी वही वही अच्छी है, मुझे वही चाहिए वगैरह। इस प्रकार से विदेशों में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्मूथ रहते हैं, इंटरप्टेड नहीं होते, बिजली चली जाती है, ऐसा ऐसी स्थिति नहीं रहती, यहाँ बिजली कभी भी चली जाती है। तो ये हमारे प्रॉब्लम है अभी भारत के। तो ठीक है, इसके बारे में कोशिश इस प्रकार से करते रहेंगे और इनके हल ढूंढते रहेंगे। नोटपैड शॉर्ट केस एंड एक्सेल शीट लॉन्ग केस फॉर स्पेशली फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम ऑन गूगल ड्राइव विद व्हाट्सएप, नो अनदर सॉफ्टवेयर आई यूज, आई एम ई प्रमुख फॉर देवनागरी फॉर्म, ऑल डेटा ऑन वन क्लिक, प्रेजेंटेशन जस्ट कॉपी पेस्ट, वन कैन डिराइव देयर ओन केस पेपर फॉर्मैट, एक्सेल इज यूजफुल फॉर comparative study of medicine school. तुम नई बम्बई में हो ना? हाँ नई बम्बई, पुणे में कभी आओ एक बार जरूर, तुम किस प्रकार से कर रहे हो मैं देखना चाहूंगा। अभी मेरा कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम बन रहा है, तो उसमें भी हम मरीज को सलाह देना चाहते हैं। तो गूगल ड्राइव पे मैंने एक सुझाव दिया था कि इस प्रकार का गूगल का ही फॉर्मेट प्रयोग करें, लेकिन वो प्रोग्रामर हमारा मान नहीं रहा, इस प्रकार से वो बता रहा है कि हम खुद अपना प्रोग्राम
लिखेंगे इस प्रकार से। और अभी सुश्रुत का जो चल रहा है एमडी का, उसने गूगल ड्राइव पे फॉर्म बनाया है और वो वैद्यों को भेजता रहता है और फिर उसके पास इकट्ठा हो जाता है। उसमें एनालिसिस भी होता रहता है, गूगल ड्राइव से अगर करेंगे तो एनालिसिस भी होता है, तो ये एक अच्छा तरीका इस प्रकार का रहेगा। अभी मैंने ऑनलाइन जो पेशेंट्स है उनके लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है और फिर वो भेजते हैं लोगों को। अभी ये प्रोग्राम अगर बन जाता है डाटा एंट्री का, तो वही भेजेंगे और उसमें डाटा एंट्री करने के लिए लोगों को कहेंगे, तो हमारे लिए और डाटा एंट्री अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो वो लिख के भेजेंगे, वो देख के फिर से हमें हमारे फॉर्मेट में उसको फिर करना है, ये भी एक काम होता इसमें हो जाता है जो काफी दिक्कत वाला इस प्रकार का होता है। और स्पेस ये अलग इस प्रकार का है, तो स्पेस के लिए गूगल जीमेल अकाउंट आपको 15 GB स्पेस देता है हर अकाउंट के लिए। नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी ऐसी एक चीज है। फिर भी जंक मेल्स भी बहुत रहते हैं, वो उनको निकालना ये भी एक बड़ी मुसीबत होती है। ब्लॉक करना, तो उसके लिए भी समय देना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी अभी अच्छी है, लेकिन उसमें किस प्रकार से करेंगे ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मरीजों को कितना भी बोलेंगे कि आप नंबर हमें बताएं, आपका नंबर क्या है, वो कहते हैं नहीं मैं अभी बाहर हूँ और मैं भूल गया हूँ, मेरे पास नहीं है, आप ही ढूंढो इस प्रकार से। तो एक अलग एक्सेल शीट बनना है एक्चुअली, जिसमें पेशेंट का नाम, सरनेम, फर्स्ट मराठी में, देवना ये देवनागरी में, अंग्रेजी में, और फिर उसका कंप्यूटर जनरेटेड नंबर, हमने दिया हुआ नंबर और डेट, शुरू की डेट जो है, ऐसा एक्सेल शीट बनेगा। और वो ड्रॉपबैक से जरिए सभी जगह अवेलेबल होगा, चाहे आप पुणे में हो, बाहर हो, कहीं भी हो इस प्रकार से। तो दैट मे फॉर्म ए पार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम इस प्रकार का। तो कहीं भी कभी भी आप मरीज को ढूंढ सकेंगे और फिर ये फॉर्मेट आपके सामने आएगा, मरीज का हुआ भरा हुआ जो फॉर्म है वो अगर आपके सामने आएगा तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ इसमें दिक्कत है कि अगर नेट कनेक्शन नहीं है तो सब बेकार है। तो ये डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट ये एक बड़ी अजीब चीज है, और उसके बारे में कैसे करेंगे ये मैं भी सोच रहा हूँ कि इस तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपने अपने तरीके से सर्वे नगर में इन्होंने एक अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया था कि सरनेम का जो पहला अक्षर है करमरकर है तो के से है, वैद्य है तो वी से है वगैरह, इस प्रकार की फाइलें बनी थी। तो सरनेम पता चलने पर के में अगर बहुत सारी फाइलें हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार, और एक्स में कुछ भी नहीं है या ऐसे कुछ रहेंगे अक्षर जिसमें ज्यादा फाइलें है नहीं इस प्रकार से, तो सरनेम से ढूंढने में थोड़ी आसानी इस प्रकार से रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक्सेल से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से ढूंढेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा, तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार। फिर आगे नाम का है, नाम संपूर्ण, और जैसे मैंने कहा कि सरनेम, नेम और मिडल नेम इसी तरीके से, और अंग्रेजी में और देवनागरी में दोनों तरीके से लिखना है। ढूंढेंगे हम शायद अंग्रेजी नाम से ढूंढेंगे, लेकिन मराठी भी नाम सामने होना चाहिए और पूरा नाम होना चाहिए। बहुत जगह लोग सिर्फ नाम और सरनेम, नाम और अंडनाम यही लिख देते हैं, बाकी
मिडिल नेम लिखते नहीं है इस प्रकार से, तो वो लिखना जरूरी है और जेंडर के बारे में भी लिखना जरूरी है, तो स्त्री पुरुष, क्योंकि अभी भारत में है, भारत के पेशेंट्स है, तो हमें शायद पता चल जाएगा कि पुरुष है या स्त्री है, लेकिन जब विदेश से लोग आते हैं तो नाम से कुछ पता नहीं चलता ये मेल है या फीमेल है इस प्रकार से, तो जेंडर एक रखना चाहिए कि मेल है या फीमेल है इस प्रकार से। और श्री सौ वगैरह श्रीमती, ये जो प्रीफिक्स है उसके बारे में वो भी सभी ऑप्शंस सामने आने चाहिए, तो उसमें कुछ पता चलता है। तो विधवा है तो श्रीमती लिखने का है, कुमारी है तो कुमारी लिखने का है, और मैरिज हुआ है, पति जिंदा है, तो सौभाग्यवती इस प्रकार का लिखना है। नेम एंड मोबाइल नंबर यूज फॉर सर्च, ये तो दोनों है ही, मोबाइल नंबर की तरफ मैं मुड़ूंगा। लेकिन मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए हैं पेशेंट्स के भी, काफी अलग अलग तरीके है, लेकिन इसमें एक अहम बात होनी चाहिए कि जिस प्रकार का ग्रुप हो, डॉक्टर्स ऑडियो ग्रुप, पेशेंट्स ऑडियो ग्रुप, ये दो मेजर है, और बाकी ऑडियो ग्रुप्स मैंने बनाए, और जो भी शुरू में ऐसा करते थे, जो भी उसको भेजना है वो उसमें डाल देते ऑडियो ग्रुप्स में, तो उसके लिए जो नंबर होगा टेलीफोन नंबर वो व्हाट्सएप का नंबर होना चाहिए, वो पूछ के लेना है कि आपका व्हाट्सएप का नंबर है या नॉर्मल नंबर है, इस प्रकार से बाद में दिक्कत होती है कि खास करके विदेशों के मरीज के बारे में कंटिक कोड वगैरह साथ लिखना चाहिए, और व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे तो व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते, नहीं तो ये काफी मुश्किल होता है अगर कवर कंट्री कोड है और ये व्हाट्सएप नंबर है नहीं इस प्रकार। अभी उसके और भी तरीके है, बोटिंग है, यूएई में व्हाट्सएप चलता नहीं है, ऑडियो के लिए अलाउड नहीं है, ऑडियो वीडियो के लिए सिर्फ आप मैसेजिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो वहां पे बोटिंग का प्रचलन है, ये गूगल का ही है, लेकिन बोटिम नंबर अगर है तो हमारे पास बोटिम होगा तो उसके साथ संपर्क कर। लेकिन फिलहाल नाम जो है वो पूरा नाम होना चाहिए, कई जगह सरनेम और नेम सब एक होने वाले भी लोग होते हैं, तो उसमें फिर मिडिल नेम से जानना पड़ता है कि ये किस प्रकार, या VSS वगैरह बाकी कैटेगरी के अनुसार वो किस पेपर नंबर पेशेंट ला लक्षात नहीं रहा, ये तो सही है इसलिए कार्ड दे सकेंगे, लेकिन अभी वर्चुअल कार्ड देने के बारे में सोचेंगे। अभी मैंने इंडस हेल्थ का ये किया तो वो पहले कार्ड देते थे, अभी उन्होंने मुझे सिर्फ ईमेल भेजा और उसमें एक वर्चुअल कार्ड भेजा, तो मुझे बताया गया कि वो तुम स्टोर करके रखो और फिर जहाँ दिखाना है वो ये विजुअल कार्ड दिखाओ से इस प्रकार से, तो ये शायद बात हो सकती है कि विजुअल कार्ड दे देंगे इस प्रकार से जो मोबाइल में स्टोर रहेगा, और व्हाट्सएप के जरिए वो हमें भेज देंगे कि ये मेरा नंबर है और आप ढूंढ कर मुझे अपॉइंटमेंट दे दो इस प्रकार से। जनरली रिसेप्शनिस्ट ये सब ध्यान में रखते हैं और केवल नाम बताने पर कहाँ पे फाइल है और कैसे ढूंढनी है ये पता है, लेकिन कई दफा हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाता है कि छात्र या और कुछ केस पेपर निकालते हैं देखने के लिए, फिर वापस उस जगह में जाता नहीं है, और जब भी रिसेप्शनिस्ट ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि केस पेपर वहां पे है नहीं, अब इसको ढूंढना काफी मुश्किल है, तो ये अनुशासन होना चाहिए, केस पेपर अगर निकाला गया तो वापस उसी स्थान पे जाना ही चाहिए, घर जाने से पहले छात्र को ये सूचना होनी चाहिए कि वो वापस अपने अपने स्थान पर चला जाए, बाद में ये ढूंढने की नौबत नहीं आएगी।
और फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिला क्या नहीं आसानी से, तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा सावध इस प्रकार का रहना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरीके से हमें केस पेपर के नंबर के बारे में या उसके सरनेम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो पत्ता संपूर्ण, एड्रेस जो है वो भी पूरा होना चाहिए, पिन कोड के साथ होना चाहिए, नजदीकी कोई लैंडमार्क है तो वो भी उसमें शामिल होनी चाहिए। खास करके जब कुरियर भेजना होता है तो कुरियर की सर्विस पूरी पिन कोड पर है। हमें अभी जो डिलीवरी हम कर रहे हैं कुरियर का इस्तेमाल, तो उसका आरंभ ही पिन कोड से होता है। पिन कोड बताने के बाद वो शहर अपने आप डाल देता है और फिर डिटेल एड्रेस स्ट्रीट वगैरह जो है वो डालते हैं। वन सैंडविच विद नाना वर्सेस नो मोर, हाँ ये काफी बड़ा हादसा है। क्या हुआ, कुछ पता चला? कब हुआ ये? अभी व्हाट्सएप ग्रुप में काफी इसके बारे में बहस होती रहेगी, आता रहेगा। तो उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म काल दुपारी, हाँ तो सडन डेथ होगी। अभी उम्र मेरे ख्याल में 80 के दरमियान होगी। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्य शाश्वत यखिलजनकृता व्याप्तचित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरीतं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। किमर्थं फ्रैक्चर झाले होते डिस्चार्ज घेऊन घरी येताना रस्त्यात श्वास फीमर नेक फ्रैक्चर में ये काफी कॉमन है, इस प्रकार का पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वैसे सोचेंगे मेरे भी मामा की डेथ इसी प्रकार से हुई थी। Om Shanti Shanti Shanti। मेरे में थे मैं कहना करा स्वाहा, तो मेरे के लिए शाम है।